हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर। आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सारी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और एंड पे हम देखेंगे हाउ द सन क्रिएट्स एनर्जी। तो शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो हमारी अर्थ है, अर्थ के आसपास एक एयर का ब्लैंकेट है, एक एयर का इनवेल्प है और इसको इनवेल्प को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एयर के इनवेल्प को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस से लेकर 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, बट जो 99% टोटल मास है एटमॉस्फेयर का वो आपको 32 किलोमीटर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस के पास ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर का मेजर पार्ट है वो 32 किलोमीटर के अंदर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हवा की डेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है, अबाउट 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीट को अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर वार्म रहता है और ये अर्थ की हीट को भी बैलेंस करके रखती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। जो वाटर वेपर है ये हमारे वेदर को अफेक्ट करते हैं और जो इनकी क्वांटिटी होती है वाटर वेपर की ये वेरी करती है फ्रॉम 0 to 4% बाय वॉल्यूम। वाटर वेपर जो होते हैं वो क्लाउड्स की फॉर्म में होते हैं। वाटर वेपर की वजह से क्लाउड्स बनते हैं और जब क्लाउड्स बनते हैं तो प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल स्टॉर्म, स्नो, तो इस फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होती है। वाटर वेपर जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वो भी हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और अब्जॉर्ब करके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। जो हमारा वाटर साइकिल है उसको रेगुलेट करके रखते हैं वाटर वेपर्स। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। अब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये इनकमिंग इंसुलेशन को, जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे आ रही है, उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं हवा में जो प्रेजेंट होते हैं वो इंसुलेशन को अब्जॉर्ब भी करते हैं, बट ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं इंसुलेशन को भी करते हैं बट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। जो एटमॉस्फेयर में डस्ट होती है उसकी वजह से कभी कभी आपने देखा होगा सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो रेड या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ये दिखाई देता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड और ऑरेंज कलर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स है। पहली है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ के सरफेस के पास ही होती है। उसके बाद आती है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के ऊपर आती है थर्मोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के ऊपर आती है एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रोपोस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर होती है। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, जो कि एक वेबसाइट है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होती है और पोल्स पे 8 किलोमीटर होती है। इस लेयर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने से जो है एयर की डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है तो जो एयर हीट अब्जॉर्ब करती है वो भी कम करेगी, क्योंकि डेंसिटी कम है एयर की, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कम होता है। यहाँ पे 90% गैसेस इसी लेयर में ही होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे बहुत सारे वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स बनेंगे तो जितने भी वेदर फिनोमेनास होते हैं, वेदर चेंजेस होती है, वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। ट्रोपो का मतलब होता है चेंज। जो वेदर चेंजेस होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। जिस हाइट पे टेम्परेचर डिक्रीज करना बंद कर देता है उस
हाइट को बोलते हैं ट्रोपोपॉज, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ट्रोपोपॉज पे वहाँ पे वो टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर है एटमोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर के जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाती है और ट्रोपोपॉज से लेकर अबाउट 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर रहती है, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है स्ट्रेटोस्फेयर के। इन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। जो ओजोन लेयर है वो सन से आ रही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और स्लोली स्लोली इंक्रीज होकर टेम्परेचर पहुँच जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। इस लेयर में कोई क्लाउड्स नहीं होते, ना ही कोई वेदर फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये एक आइडियल फ्लाइंग कंडीशंस होती है जेट प्लेन्स के लिए, जहाँ पे प्लेन्स उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। एट अबाउट 50 किलोमीटर, अब 50 किलोमीटर पे जाकर जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होती है वहाँ पे टेम्परेचर फिर से कम होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे टेम्परेचर फिर से कम होना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं एंड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, और जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटो पॉज। पहले ट्रोपोस्फेयर आई, ट्रोपोस्फेयर खत्म हुई तो ट्रोपोपॉज आ गया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हुई, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हुई तो वहाँ पे आ गया स्ट्रेटोपॉज। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर तक की हाइट तक फिर एक्सटेंड करती है। यहाँ पे आकर टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और वो -90 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाता है। जहाँ पे मीजोस्फेयर ख़त्म होती है उसको बोलते हैं मीजोपॉज। नेक्स्ट आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर मीजोस्फेयर के ऊपर लाई करती है। अकॉर्डिंग टू नासा जो थर्मोस्फेयर की हाइट है वो 513 किलोमीटर तक है। इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइज कर जाता है टेम्परेचर, ड्रामेटिकली राइज होता है, एकदम से इतना राइज हो जाता है कि 45 डिग्री फारेनहाइट तक पहुँच जाता है और यू कैन से 2482.22 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इस लेयर में वो सन से आ रही एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप हो जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो आयंस या पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, नेगेटिव वाले अलग हो जाते हैं। तो इस लेयर को इसकी वजह से आयनोस्फेयर भी बोला जाता है। तो ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि कौन सी लेयर को आयनोस्फेयर बोलते हैं, तो थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं थर्मोस्फेयर में वो रेडियो वेव्स को, जो अर्थ से रेडियो वेव्स आती है उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं स्पेस से, तो इसीलिए ये वाली जो लेयर है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस में भी ये वाली लेयर हेल्प करती है हमारी। अब जो रेडियो वेव्स होती है वो क्या होती है, अर्थ से जाती है, थर्मोस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ पे वापस आ जाती है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस होती है वो इस लेयर से ही होती है। इसके अलावा जो थर्मोस्फेयर है वो हमें मीटियोर्स और ऑब्सोलीट सैटेलाइट से भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जितना भी डेब्रिस अर्थ की तरफ आता है बाहर से स्पेस से वो सारा का सारा यहाँ पे बर्न अप हो जाता है, कम्प्लीटली जल जाता है। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर एटमोस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है और ये थर्मोस्फेयर के ऊपर लाई करती है। अब जो एक्सोस्फेयर है ये थर्मोस्फेयर से 96 किलोमीटर तक रहती है और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे ये
इंटरप्लैनेटरी स्पेस में मर्ज हो जाती है। इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस तक जाता है एक्सोस्फेयर का टेम्परेचर। इस लेयर में अब गैसेस ज़्यादा तो नहीं होती बट ट्रेसेस में ही मिलती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, आर्गन हो गई, हीलियम हो गई, ये गैसेस ट्रेसेस में मिलती है। क्यों थोड़ी थोड़ी मिलती है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे वो इजीली स्पेस में चले जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो गैसेस है वो ट्रेसेस में ही मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ द सन क्रिएट्स एनर्जी, सन एनर्जी कैसे क्रिएट करता है। अब जो सन है, सन पे दो गैसेस होती है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, और जो हाइड्रोजन टू हीलियम का प्रपोर्शन होता है वो होता है 3:1। अब जो सन की कोर है, कोर एक्ट्स लाइक ए गाइगेंटिक न्यूक्लियर रिएक्टर। सन की कोर न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करती है और ये कन्वर्ट करती रहती है हाइड्रोजन को हीलियम में, कंटिन्यूसली हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करती रहती है। अब ये वाला जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, इसमें क्या होता है, जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है इन ऑल डायरेक्शंस। अब जब न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होगा, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी सारी डायरेक्शंस में ही रेडिएट करती है, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये वाला, अब जो हमारी अर्थ है, जो अर्थ का साइज है कंपैरेटिव टू सन वो बहुत ही छोटा है। अब अर्थ का साइज छोटा होने की वजह से जो अर्थ है, अर्थ के पास पहुंचती है स्मॉल पार्ट ऑफ सन्स रेडिएंट एनर्जी, सन की एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट ही अर्थ के पास पहुंचता है, और जो सोलर रेडिएशंस अर्थ पे आती है हमारी अर्थ के लिए, वही एक प्राइमरी सोर्स है हीट एंड लाइट का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे इंसुलेशन एंड वेदर एंड क्लाइमेट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।